यही कंफ्यूजन होगा। तो उसमें आप लोग को मतलब ऑनलाइन अपलोड जब होगा तो उसके बाद आपको दिया जाएगा हथियान में कम भी होता है ज्यादा भी होता है, नक्शा के अनुसार होना चाहिए ना। नक्शा नक्शे के अनुसार होगा क्योंकि हमको हथियान भी देखना और नक्शा भी। तो नक्शा पे आपका जितना एरिया होगा वो तो खतियान में टेंशन होगा, सर्वे हुआ है भाई, तो सर्वे में तो वो मेंशन होगा, वही तो दिया है, वही होगा कि भाई हम लोग खाता खोलेंगे उसी का ही उतना ही। और अब देखिए आप लोग का मतलब सारा हमारा ये प्रोसेस है सर्वे का, इसके बाद फिर बिहार सरकार का ये सोच है कि इसके बाद कोई सर्वे ही ना हो। इसमें ये फायदा होगा कि आपका जैसे कोर्ट के लिए यहाँ दौड़ना पड़ता है वहाँ दौड़ना पड़ता है, और अगर किसी का नाम भी चढ़वाना होता है दाखिल खारिज करवाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो जमीन से रिलेटेड तो आपको हेडक्वार्टर यहाँ वहाँ दौड़ने में काफ़ी समय जाता है, पैसा तो जाता ही जाता है, पैसा तो नॉर्मल सी बात है कि हर एक चीज़ में जाना है, तो समय भी जाता है वो सबसे बड़ी बात है। और समय का तो हर एक आदमी को मतलब बहुत कमी पड़ जाती है पूरी जीवन में अगर देखिए तो कम पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ कम करने के लिए जैसे आपको कोर्ट का चक्कर कम लगाना पड़े या जितने भी विवाद है भूमि से वो ख़त्म हो सके। और आपका ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका जो प्लॉट है एग्जैक्ट वहाँ पे, ये जैसे अभी गूगल मैप तो आप लोग में से कोई ना कोई तो जानता होगा, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं आपका ज़मीन कहीं और है तो आप यहाँ से बैठे बैठे अपने फ़ोन पे आपके जैसे अभी आपको नहीं पता है, आप लोग को नहीं पता है, आपके बच्चे आएंगे उनके बच्चे आएंगे तो वो तो खेत पे घूमने नहीं जाएगा, वो सीधा हर बच्चा जन्म लेता है वो विदेश में, मतलब विदेश नहीं हाँ जो भी विदेशी बोलिए चलेगा, अगर और वहीं पर बड़ा होता है वहीं जानता है, खेत हमारा नहीं जानता है। तो अगर फ्यूचर में वो देखना चाहेगा कि हमारे दादाजी का ज़मीन कितना था या पापा का ज़मीन कितना है तो फोन में डालेगा तो एग्जैक्ट प्लॉट पे पहुंचेगा, चौहद्दी दिया रहेगा उसमें। और एकदम जैसे इंसान कहता है कि हम भूल नहीं पाए, अरे भूल जाते हैं ना कि कहाँ कैसे, वो रास्ता उसको बताएगा कि हाँ आपका यही प्लॉट है, एलपीएम दिया जाएगा। हाँ एलपीएम दिया जाएगा। और एक और फ़ायदा है कि आप फ्यूचर में जैसे ज़मीन बेचना चाहते हैं तो अभी तो बेचने के लिए बहुत इधर उधर करना पड़ता होगा, अगर आप अगर ज़मीन बेचना चाहेंगे तो जो आपका ऑनलाइन हम लोग चढ़ाए रहेंगे उसी में से ऑनलाइन ही आपका, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन आपके में से उतनी ज़मीन माइनस होके उनके खाते पे चढ़ जाएगा, उनका पहले कहीं ना कहीं तो ज़मीन होगा ही उनके में ऐड हो जाएगा, आपके उतना कम हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जितना भी आगे का प्रोसेस होता जाएगा बेचना या फिर चढ़ाने वाला वो ऑनलाइन आप करवाते रहिएगा। फिर मतलब बिहार सरकार का ये योजना जो है वो है कि इसके बाद सर्वे होगा ही नहीं, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर्वे नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी तो आगे का कैसे होगा, तो उसके बंसावली आपका दिया रहेगा ना, तो उनके बंसावली में या फिर सर्वे वाला जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा आपको बढ़ता चला जाएगा। हाँ यही होगा।